let's start with the today's lesson. So before starting, as we always done, पहले रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेसन का कि लास्ट लेसन के अंदर हमने क्या कवर किया था. ठीक है, सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. तो लास्ट लेसन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है एक होलो स्ट्रक्चर होता है और होलो स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है ना. यही बात हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि ह्यूमन की बॉडी एक होलो बॉडी है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, जिससे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह देते हैं. इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड, राइट. ठीक है, प्लाज्मा सभी को पता है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है बेसिकली एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के सारे सेल्स, सारे स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये एवरीवेयर आपकी बॉडी के अंदर एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, हमेशा मोशन में रहता है. मोशन में क्यों रहता है, क्योंकि इसके इसके थ्रू ही आपकी जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं. इन शॉर्ट बोले तो होमोजेनिटी जो है वो मेंटेन करते हैं, तभी तो मेंटेन होती है जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एनवायरमेंट एक स्टेबल कंडीशन में रहे, और उसी स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ही आपका सारे सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर काम करता है. ठीक है, तो हमने इतना चीज कवर कर ली थी. उसके साथ ही हमने कवर किया था कि कैसे हमारा इंटरस्टीशियल फ्लूइड क्या होता है, कि सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसी के साथ ये भी डिस्कस किया था कि इस इंटरस्टीशियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. बेसिकली इसके एक स्पेसिफिक आयन की हमने बात करी थी, दैट इज सोडियम आयन, कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम आयन अबंडेंट, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. उसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपकी सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, तो इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, इस सेल के अंदर आपका पोटाशियम आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ये कुछ एक बातें थी जो हमने लास्ट लेसन में ही डिस्कस करी थी. क्या डिस्कस किया था कि बाहर कौन सा आयन ज्यादा प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट के अंदर सोडियम आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. कितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि अंदर, यानी कि सोडियम आयन जो प्रेजेंट होता है, इट इज 14 टाइम्स मोर देन द एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म का मतलब, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेल को लेके चल रहे हैं, दैट इज अ न्यूरोनल सेल, तो हम उसी को लेके यहाँ पे चलेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूरोनल सेल्स होता है, अगर उसकी कंपोजिशन की हम स्पेसिफिकली बात करें, तो जो सोडियम आयन होता है वो इतना ज्यादा आपके एक्सटीरियर एनवायरमेंट में, आपके ECF के अंदर प्रेजेंट है, दैट इट इज 14 टाइम्स मोर देन the एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म क्या है, जो एक्सोन का इंटरनल एनवायरमेंट है, जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है, उसे ही हम लोग एक्सोप्लाज्म कह देते हैं. तो हम इतनी चीजें याद रख सकते हैं कि सोडियम अमाउंट कितना अबंडेंट है, कि ये आपकी इंटीरियर एनवायरमेंट के कंपैरिजन में 14 टाइम्स मोर देन, यानी कि 14 टाइम्स से ज्यादा है. 14 टाइम्स का मतलब कि अगर यहाँ पे आपका एक आयन है तो वहां पे 14 टाइम्स ज्यादा उसके आयन प्रेजेंट होंगे. अच्छा जी, हमने कहा कि पोटाशियम आयन आपका इंटरनल सेल एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो कितना ज्यादा ये प्रेजेंट है. तो जब पोटाशियम आयन की बात करी जाती है, इट इज 30 टाइम, यानी कि जो पोटाशियम आयन होगा इट इज 30 टाइम्स मोर देन दी ECF. ठीक है, तो यहां से आपकी क्या चीज क्लियर हुई कि अगर ECF की बात करें तो ECF के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आयन होता है सोडियम आयन, और अगर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हमारा आयन होता है पोटाशियम. इवन पोटाशियम इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट आयन हमारी बॉडी के अंदर. जो मोस्ट अबंडेंट आयन है इंट्रासेलुलर आयन, इट इज पोटाशियम. ठीक है, ये बातें हमने की थी. उसके बाद हमने एक और चीज करी थी कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे आपके आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. हमने कहा था कि आयन चैनल्स बेसिकली क्या है,
ये आयन चैनल स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। देखो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक नेचर की बात करें तो हम सब जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, किसी को पास होने देगी किसी को पास नहीं होने देगी। कॉमन लैंग्वेज में अगर समझें तो जैसे आप किसी डिस्क में जाते हो, आप वहां पे मतलब सम टाइम, अच्छा उससे भी छोड़े, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा आपका मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसी वॉल होती है जिसके थ्रू कुछ तो पास हो सकता है कुछ पास नहीं हो सकता, यानी कि बहुत ही चूजी नेचर की होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी को तो पास होने देगी किसी को पास नहीं होने देगी। लेकिन क्योंकि एक्सचेंज भी जरूरी है, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर आपकी होमोजेनिटी मेंटेन नहीं रहेगी, इसीलिए आपकी मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आयन चैनल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आयन चैनल्स बेसिकली क्या है, आयन चैनल, चैनल का मतलब रास्ता, आयन चैनल मतलब ऐसे रास्ते जिनके थ्रू आयन्स पास हो सकते हैं, है ना। तो ये जो आयन चैनल्स होती हैं, दीज आर स्पेसिफिक आयन चैनल्स, मतलब एक स्पेसिफिक आयन को ही पास होने देंगी, अगेन ये भी स्पेसिफिक होती है। तो हम लोग यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स होंगे। ठीक है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स के साथ साथ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के साथ साथ बहुत सारे लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीकी चैनल्स के साथ साथ आप देखते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी होते हैं। अच्छा जी, लाइगेंड गेटेड चैनल्स के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे पंप भी प्रेजेंट होते हैं, पंप जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, ये सभी आपने सेल बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा। मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स वो होते हैं, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल बेसिकली ये आयन चैनल्स तभी ओपन होंगे जब किसी भी तरीके का प्रेशर आप इन पे डालोगे, इनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो ये ओपन होगी, अगर प्रेशर नहीं होगा तो ओपन नहीं होगी। ठीक है, और ओपन तभी, ओपन होने के बाद भी ऐसे नहीं है कि सभी आयन को ये पास होने देगी, उसके बाद भी सिलेक्टिविटी शो करती है कि मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल तभी ओपन होती है जब उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर आता है, और प्रेशर आने के बाद ओपन होगी, ओपन होने के बाद भी सिलेक्टिव आयन को ही पास होने देगी। ठीक है, और जैसे ही प्रेशर हट जाएगा वैसे ही आयन चैनल बंद हो जाती है। ठीक है, इतनी बात बस अब याद रखिए, हमें डिटेल में नहीं जाना। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है ये बेसिकली, देखो वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो गया। अच्छा जी, आप जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो आपने वहां पढ़ा होगा वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज होती है ना, तो यहाँ से आप इतना याद रखो वोल्टेज इज ऑल अबाउट आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है ना तभी हमारी ये चैनल्स ओपन होती हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कब ओपन होगी, जब आयन के ग्रेडियंट में चेंज आएगा। ठीक है, लीकी चैनल्स बेसिकली, लीकी चैनल्स ऐसी होती है जो ऑल द टाइम लीक रहती है, लीक मतलब इनके थ्रू हमेशा आयन पास होते रहते हैं, इनका कोई गेट नहीं होता, ये कुछ ऐसे रास्ते होते हैं ना जो हमेशा ऑल द टाइम आपके खुले होते हैं, उनके ऊपर कोई गेट कीपर नहीं होता है, तो आप लीकी चैनल्स को ऐसे रास्ते समझ सकते हो जिनके थ्रू मतलब कभी भी आप आ जा सकते हो, वहां से रास्ता बंद नहीं होता। ठीक है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स ऐसी होती है कि जिनके ऊपर जब कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा, लाइगेंड का मतलब कोई भी केमिकल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज, मतलब स्पेसिफिक टाइप के केमिकल आके जब बाइंड करेंगे तभी ये आयन चैनल ओपन होगी। ठीक है, इतनी बातें हमने याद रखनी है। हमने अभी अभी क्या बातें करी कि हमारा जो न्यूरोनल सेल होता है उसका कंपोजिशन भी आपके दूसरे सेल्स की तरह होता है, दूसरे सेल्स की तरह मतलब उसके भी इंटर सेलुलर एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारा पोटाशियम भरा पड़ा है, बाहर के एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारा सोडियम भरा पड़ा है। ठीक है, यानी कि पोटाशियम जो है वो अंदर ज्यादा है और बाहर सोडियम ज्यादा है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि उसके मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है। अच्छा जी, इतनी बात क्लियर हो गई, अब यहाँ से हमने ये दो चीजें समझ ली। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली न्यूरोनल सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं, जैसे मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ न्यूरोनल सेल का, ठीक है,
आप इसी से समझ जाना। ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है कि ये हमारी एक न्यूरोनल सेल है, राइट। अभी तक हमें इसकी जब स्ट्रक्चर पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सोमा बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है। यहां से आपकी जो डेंड्राइट्स है वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, उस सिग्नल को पास कर देते हैं एक्सोन की तरफ, ठीक है। हमने जो ये कंपोजिशन डिस्कस करी है, ये आयंस के चैनल्स के बारे में, और ये सब हमने इसकी बात करी है, एक्सोनल सेल की बात करी है। एक्सोनल सेल की बात इसीलिए करी है क्योंकि एक्सोनल सेल्स ही होती हैं जिनके थ्रू वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रेवल करती है, ठीक है। उसे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को समझने के लिए हमने इतना सारा तामझाम समझा, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारी जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव है ना। आप टच करते हो, आपको पता चलता है ना। तो हमारी जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि हमारी स्किन के नीचे, स्किन की जो लेयर है, एपिथीलियल लेयर है, उसके नीचे बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, और सेंसरी न्यूरॉन है तो सेंसेस को रिसीव करेंगे। अच्छा जी, सेंसेस को रिसीव करने के बाद ये ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें समझना है कि ये सेंसेस को रिसीव करने के बाद उसके साथ ऐसा क्या करते हैं। बिकॉज न्यूरोनल सेल आपके ऐसे तो है नहीं कि एक न्यूरोनल सेल है, उसके डेंड्रॉइड ने सेंस रिसीव किया और वही जाके सीधा आपका ब्रेन के पास पहुंचा देगा। नहीं, यहाँ पे एक चेन ऑफ न्यूरोनल सेल प्रेजेंट होती है जो एक्चुअल में काम कर रही होती है, ठीक है। और उसी चीज को हमें समझना है कि कैसे एक न्यूरोनल सेल एक्साइट होके, अच्छा ये टर्म आया एक्साइट, ये जो न्यूरोनल सेल है ये एक्साइट हो सकता है। एक्साइट का मतलब क्या है? एक्साइट का मतलब सिंपली ये है कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? देखो, अभी हमने ये चीज समझी यहां से कि हमारी जो न्यूरोनल सेल होती है, हम इसको चलो ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमारा ये एक्सोन जो है, यहां से मैंने इसका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, ठीक है। ये हमारा एक्सोन सेल है। हमें सोमा बॉडी नहीं पढ़ना, सोमा बॉडी का बस इतना सा काम है सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसमिट कर देना। जितना भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो एक्सोनल बॉडी में होगा, इसलिए हमें जितने भी चेंजेस है वो इस बॉडी के समझने हैं, ठीक है। तो हमने इसका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ देखा। अभी हमने क्या बातें डिस्कस करी कि हमारी सेल के अंदर पोटाशियम अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा पोटाशियम इनके अंदर भरा पड़ा है और सोडियम बाहर यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी बात हमने पढ़ी। अब एक चीज हमने यहां से पढ़ी कि आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल सेल है उस वो -70 मिलीवोल्ट का यहाँ पे चार्ज शो करती है। 70 मिलीवोल्ट का मतलब क्या होता है? देखो, 70 -70 मिलीवोल्ट यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? देखिए, हमने कहा कि पोटाशियम अंदर भरा पड़ा है, सोडियम बाहर पड़ा है, तो -70 का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज का डिफरेंस है इट इज -70। -70 का मतलब कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। अंदर नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव फील्ड है, मतलब ये है कि कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट है और बाहर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेरा यहाँ पे चार्ज 100 है, यानी कि 100 सोडियम आयन मेरे बाहर प्रेजेंट है, तो अंदर मेरे कितने प्रेजेंट होंगे? -30, मतलब 30 मेरे आयन प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। यानी कि डिफरेंस कितना आ गया? 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो 70 का ही तो आ गया। माइनस हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज हमने बोल दिया उसको, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना समझना है कि जो एक्सोनल आपका एक्सोप्लाज्म जो होता है उसका अगर हम बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो अंदर लेस नेगेटिव चार्ज होता है। आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि नेगेटिव चार्ज, हम उसे बोलेंगे लेस नेगेटिव, यानी कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर लेस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो -70 मिलीवोल्ट जो होता है ये बेसिकली क्या है? ये हमारा हम कंपैरिजन करते हैं कि चार्ज आयन के अंदर जो पोलैरिटी, और इसी से पोलैरिटी जनरेट हो रही है। इसी से तो हम बोलते हैं कि हमारा जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, आपने जनरली बुकों के अंदर ये इमेज देखी होगी, इसमें यही देखा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो शो करके रखते हैं और बाहर पॉजिटिव चार्ज शो करके रखते हैं। बट एक्चुअल में ये क्या होता है, अंदर भी पॉजिटिव आयन है लेकिन अंदर बाहर के कंपैरिजन में कम पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे कह देते हैं -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी कि कोई भी सेल
जिसका -70 मिलीवोल्ट अगर उसका चार्ज है तो हम उसे क्या देते हैं, वो सेल आपकी रेस्टिंग फेज पर है, रेस्टिंग पोटेंशियल पर है, मतलब ये उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है। अगर वो -70 मिलीवोल्ट शो कर रही है तो वो रेस्टिंग फेज पर है। रेस्टिंग का मतलब कि अभी उसके अंदर कोई भी चार्ज का वेव ट्रैवल नहीं कर रहा, ठीक है। और ऐसी सेल जिनके अंदर ये पोलैरिटी दिखती है, पोलैरिटी का मतलब जो चार्ज के बीच में डिफरेंस दिखता है, वही सेल हमारी कैपेबल होती है एक्साइट होने के लिए। इसलिए हमारी जो न्यूरोनल सेल है सिर्फ उन्हीं के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चार्ज हो सकती है, वो आपकी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन उनके अंदर ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या चीजें क्लियर हुई, -70 मिलीवोल्ट का माहौल अंदर उसका मतलब क्या है, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बात समझते हैं कि ये जो चार्ज डिफरेंस एक्चुअल में इनके बीच में क्रिएट हुआ है, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ क्यों, यानी कि जो आपकी न्यूरोनल सेल है वो बाकी उस सेल की तरह आपकी -70 मिली मतलब नॉर्मल उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव माहौल क्यों है। तो ये चीज हम लोग यहां से समझते हैं। तो ये देखिए हमारी जो ये मान लो हमारी न्यूरोनल सेल है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, बाहर पॉजिटिव माहौल है, अंदर नेगेटिव माहौल है। अच्छा, ये नेगेटिव माहौल जनरली आपने सभी इमेज में देखा होगा कि ऐसे आपके पेरिफेरी रीजन पर दिखाया देता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार सेंटर में आपको नेगेटिव माहौल शो करके दिखाए, कभी देखा है चार्ज आए वो सेंटर में भी शो करते हो, ऐसे 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 क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ये नेगेटिव माहौल है ये सिर्फ पेरिफेरी रीजन पर ही होता है, अंदर सेम वही एनवायरनमेंट होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का होता है। इसलिए जब भी हम चार्ज की पोजीशन शो करते हैं तो हम उसके सिर्फ पेरिफेरल रीजन के ऊपर ये चार्ज की पोजिशन शो करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। हम यहाँ से यहाँ क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर -70 मिलीवोल्ट का माहौल क्यों है। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हमने अभी जो आयन चैनल्स की बात करी थी ना, वो आयन चैनल्स आपके इस -70 मिलीवोल्ट के माहौल को बनाने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इस -70 मिलीवोल्ट के माहौल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पहली चीज, यस, जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है हमारे सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जिन्हें हम लोग पोटेंशियोजेनिक भी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियोजेनिक, पोटेंशियोजेनिक का मतलब ऐसे पंप, एक सेकेंड, ऐसे पंप जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने उसे क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने वाले पंप जिन्हें, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने वाले पंप को हमने कह दिया पोटेंशियोजेनिक, ठीक है। तो सोडियम पोटाशियम पंप बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, यहाँ पे बहुत, मतलब आपने सुना होगा कि हमारी सेल के अंदर पोटेंशियल, सॉरी, जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो प्रेजेंट होते हैं। ये सोडियम पोटाशियम पंप बेसिकली क्या करते हैं के आयन का यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट पंप, मतलब ये जो पंप है कुछ इस तरीके से पंप प्रेजेंट होगा और ये पंप क्या करेगा, ये हमारा सोडियम पोटाशियम पंप है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और ये क्या करेगा, एटीपी को यूज करके, एक सेकेंड, एटीपी को यूज करके ये तीन सोडियम आयन को बाहर निकालेगा, ठीक है, और दो पोटाशियम आयन को अंदर फेंक देगा। मतलब क्या किया इसने, इसने क्या किया, तीन पॉजिटिव आयन को तो बाहर फेंक दिया, आप सोडियम को भी भूल जाओ, और दो पॉजिटिव आयन को अंदर फेंक दिया, तो एक डिफरेंस यहां पे आ गया। मतलब कि एक एटीपी को यूज करके ये एक पॉजिटिव आयन का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये सोडियम पोटाशियम पंप है, ये जब एक एटीपी को यूज करता है तो ये दो पोटाशियम आयन को अंदर फेंकता है और तीन सोडियम आयन को ये बाहर फेंकता है। मतलब ये कि जब एक एटीपी को यूज करके ये एक पॉजिटिव आयन का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि 1- का ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पहला फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है -70 मिलीवोल्ट के माहौल के लिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है दैट इज लीकी चैनल्स।
ये जो लीकेज चैनल्स हैं इनके थ्रू आयन का ट्रांसफर होता रहता है। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम के लीकेज चैनल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम के लीकेज चैनल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एक रीजन ये भी हो गया कि अंदर पोटाशियम आयन क्यों भरा पड़ा है और बाहर सोडियम आयन क्यों भरा पड़ा है, ठीक है। दो दोनों चीजों को हम लेके चल रहे हैं, पहली चीज के अंदर -70 मिलीवोल्ट का माहौल क्यों है, और दूसरी चीज के बाहर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा क्यों है, पोटाशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा क्यों है, ठीक है। जो तीसरा रीजन है वो है हमारा कि आपकी जो ये इनर एनवायरमेंट होता है इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव प्रोटीन्स या कहें नेगेटिव आयंस भरे पड़े हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना कि जो इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट के अंदर नेगेटिव प्रोटीन्स और नेगेटिव आयंस भरे पड़े हैं। अब ये नेगेटिव प्रोटीन और नेगेटिव आयन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो नेगेटिव प्रोटीन और नेगेटिव आयंस हैं ये एक्चुअली बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाते, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाते। एज ए रिजल्ट अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है, नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारे तीन रीजन हो गए। फोर्थ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इस नेगेटिव माहौल के लिए वो क्या है, कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे पीएम लिख देती हूं, इट इज मोर परमिएबल टुवर्ड्स द पोटाशियम आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयन, ठीक है। चार ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज हमने क्या कहा कि ये जो सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट का माहौल है वो क्यों है, पहली चीज के सेल के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप लगे होते हैं जो एटीपी डिपेंडेंट पंप है, जो पोटेंशियोजेनिक जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि वो 3 सोडियम आयन को बाहर फेंक रहे हैं और 2 पोटाशियम आयन को अंदर फेंक रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अंदर तो सोडियम भरे जा रहा है और जो अंदर का पोटाशियम आयन है वो बाहर चला जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज के एक बार अगर ये पंप काम करता है तो ये 1-1 का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये 70 टाइम काम करेगा तो -70 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। फिर हमारी लीकी चैनल्स है, लीकी चैनल्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम की लीकी चैनल्स कम होती है, पोटाशियम की लीकी चैनल्स ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी अगेन अंदर सोडियम आपका कम होता जा रहा है और पोटाशियम जो है वो आपका ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव प्रोटीन्स और नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस इनर एनवायरनमेंट के अंदर, भर भर के नेगेटिव आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में क्या करता है कि इनर एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। चौथा रीजन हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोटाशियम आयन को तो पास होने देती है, हमने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन वो आपके सोडियम आयन को पास नहीं होने देती, बिकॉज उसके लिए वो इम्परमिएबल होती है। मतलब थोड़े से सोडियम आयन को पास होने देती है, बट मोस्ट ऑफ द केस अगर हम कंपैरिजन करें तो इट इज अप्रोक्सीमेट आपका कि नियरली इम्परमिएबल है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारी चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, -70 मिलीवोल्ट के लिए, और इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं कि सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में है। रेस्टिंग फेज मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल पर है, रेस्टिंग सेल रेस्टिंग पोटेंशियल पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जिन सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही सेल हमारी एक्साइट हो सकती है, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक्सोनल सेल है जो एक्साइट हो सकती है, बिकॉज उनके अंदर पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी शो करती है, और इसी सेल को जो हमारी रेस्टिंग फेज पर रहती है उसे हम पोलराइज्ड सेल भी कह देते हैं। पोलराइज्ड का मतलब पोलैरिटी शो कर रही है, और पोलैरिटी का मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर नेगेटिव माहौल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल से आपकी सेल एक्शन पोटेंशियल में कब कन्वर्ट हुई, ठीक है।
एक्शन पोटेंशियल का मतलब जब यहाँ पे पोलराइजेशन से वापस डीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाए, तो हम लोग इन चीजों को बारी बारी करके समझेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक्शन पोटेंशियल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो पूरा आपका प्रोसेस चलता है, वो इस प्रोसेस का मेन काम क्या है कि आपकी सेल जो है, क्योंकि वो पोलर नेचर की है, पोलारिटी है, तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। एक्शन पोटेंशियल का सिंपली मतलब इतना सा है कि आपकी सेल जब -70 से -70 मिलीवोल्ट से +30 में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो हम उस सेल को बोल देते हैं कि हमारी सेल पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज्ड हो गई है। डीपोलराइज का मतलब, डी का मतलब सिंपली होता है रिमूवल, और पोलराइज का मतलब पोलैरिटी, यानी कि रिमूवल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग, बस क्या होता है कि उस टाइम पे आपकी सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाएगी कि पहले क्या था, पहले कंडीशन ये थी और बाद में कंडीशन क्या होगी, ये हमारा एक्सोनल सेल है, ठीक है। बाद में क्या होगा, बाहर नेगेटिव माहौल आ जाएगा और अंदर पॉजिटिव माहौल आ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, या हम दूसरे वर्ड में कहें तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ये बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कल जब हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे कि रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। सो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन का मतलब जब सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाए। तो अभी हमने क्या समझा कि पोलराइज्ड या कहें रेस्टिंग रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्जन कब होता है, जब सेल की पोलैरिटी माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये -30 का मतलब आपको समझ में आया, -30 का मतलब कि हमारा सेल के अंदर प्लस थर्टी का मतलब कि सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो +30 ज्यादा है, मोर है, मतलब ज्यादा है बाहर के कंपेरिजन में। और जब आपकी सेल इस स्टेज में आ जाती है, यानी कि +30 मिली वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं हमारी सेल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, सेल अभी एक्साइट हो चुकी है। एक्साइट का मतलब उसकी पोलैरिटी का चेंज होना, ठीक है। ओके, सो ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है। सो हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने सिंपली बस ये पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, मोस्ट ऑफ द सेल्स रेस्टिंग फेज पर लाई करती है। रेस्टिंग फेज का मतलब होता है कि आपकी जो सेल्स हैं उनके अंदर -70 का जो अंदर का जो माहौल है, इंट्रा सेलुलर जो एनवायरमेंट है, वो -70 है। अब ये -70 क्यों है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज तो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जो आयन चैनल्स प्रेजेंट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक आयन, एक पंप प्रेजेंट होता है, ATP डिपेंडेंट सोडियम पोटासियम पंप। ये सोडियम पोटासियम पंप पोटेंशियोजेनिक होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा ना, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सोडियम पोटासियम पंप एक ATP को यूज करके -1 का डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाले एनवायरमेंट में, इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोटीन आयंस हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाते, जो अगेन उसकी नेगेटिविटी को इनहांस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक मेजर फैक्टर जो यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए काम कर रहा है, दैट इज कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव परमिएबल की नेचर की है, वो सिर्फ आपके पोटेशियम आयन को ही पास होने देती है, सोडियम आयन को बहुत कम अमाउंट में वो पास होने देती है, जो अगेन उसकी नेगेटिव नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बात समझ में आई कि -70 का माहौल क्यों है। अब इस -70 से जब भी आपकी सेल आपकी चेंज होती है, यानी कि उसका एनवायरमेंट जैसे ही उसका चेंज होता है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जब आपकी सेल जाती है, पॉजिटिव क्यों जा रही है वो चीज भी हम समझेंगे, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, या आपकी सेल का कन्वर्ट होना फ्रॉम द रेस्टिंग फेज टू द एक्शन पोटेंशियल स्टेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन, वी विल कंटिन्यू टुमारो।
आफ्टर दिस पोर्शन, ठीक है।